गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आइए एक और प्रॉब्लम के साथ हम लोग बात करते हैं कि कॉलिंग एडवांस के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो लेते हैं एक और नेक्स्ट एग्जांपल के साथ। दिया हुआ क्या है, भारत लिमिटेड मेड द फर्स्ट कॉल ऑफ पिच 2 पर शेयर ऑन इट्स 1 लाख इक्विटी शेयर ऑन 1 मार्च 2006। अशोक शेयर होल्डर होल्डिंग 800 शेयर पेड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट अलॉन्ग विद फर्स्ट कॉल मनी। द सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट वॉज रुपीज 3 पर शेयर पास से जन्ना एंट्री फॉर द अकॉर्डिंग एवब यूजिंग द कॉल इन एडवांस। यानी कंपनी जो फर्स्ट कॉल की रिसीव कर रही है, ड्यू कितने से की हुई है, 2 रुपए से की, और नंबर ऑफ शेयर कितने का है, 1 लाख शेयर का है, जो 1 मार्च 2006 को है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या था कि 2006 मार्च का था, और मार्च का क्या कौन सा डेट है, मार्च 1 को, फर्स्ट मार्च कंपनी ने फर्स्ट कॉल ड्यू किया। तो फर्स्ट कॉल जब ड्यू करेगी तो कंपनी के यहां पर क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कैपिटल कितने से, 1 लाख शेयर है, 1 लाख इंटू टू टोटल कितना हो गया, 2 लाख रुपीज। यानी कंपनी ने जो ड्यू किया है टोटल कितना ड्यू किया, 2 लाख रुपीज, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी, बीइंग द फर्स्ट कॉल ड्यू, कंपनी ने ड्यू किया। अब कंपनी कह रही है कि एक शेयर होल्डर अशोक था जिसके पास 800 शेयर था, उसने सेकंड कॉल के अमाउंट किसके साथ पे कर दिया, उसने फर्स्ट कॉल के साथ, यानी जब एडवांस पे कर दिया तो उन्होंने क्या कहा गया, कॉल इन एडवांस। तो नेक्स्ट एंट्री कंपनी के यहां पर जनरेटी क्या जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू कॉल इन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस। अब देखिए कंपनी को फर्स्ट कॉल में आनी कितनी चाहिए थी, 2 लाख, यहां पर 2 लाख लिख दिया। अब एक शेयर होल्डर अशोक है जिसके पास कितना शेयर था, 800 शेयर था, यानी 800 इंटू कितने रुपीज से, सेकंड कॉल के अमाउंट कितने रुपीज से है, 3 रुपीज से उसने एडवांस दे दिया, तो 800 इंटू 3 कितना दे दिया, 2400। ओके, यानी कंपनी के पास टोटल अमाउंट जो आई 2,02,400, बीइंग द फर्स्ट कॉल मनी रिसीव विथ बीइंग द फर्स्ट कॉल मनी, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड विथ कॉल इन एडवांस, विथ कॉल्स इन एडवांस, विथ कॉल इन एडवांस कितने शेयर पे, ऑन 800 शेयर, ऑन 800 शेयर्स। ओके, ये तो थी क्वेश्चन में क्या था कि कंपनी ने, भारत लिमिटेड कंपनी ने 2 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल की अमाउंट कॉल की थी, और उसमें वंस एक शेयर होल्डर जो अशोक था उसने 800 शेयर पर कॉल में एडवांस दे दिया। ठीक है, तो यहां पर जब ड्यू की कंपनी ने इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से, 1 लाख इंटू 2 किया तो कितना आ गया कंपनी के पास, 2 लाख ड्यू की। जब रिसीव किया तो एक शेयर होल्डर ने जिसे एडवांस दे दिया था, तो कंपनी के यहां पर जनरेटी क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और टू कॉल इन एडवांस। यानी कॉल इन एडवांस में कितने से आया, 800 इंटू 3 कौन सा, सेकंड कॉल के अमाउंट एडवांस दिया 2400, तो जनरेटी आई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और टू कॉल इन एडवांस। अब जब कॉल इन एडवांस में 2400 आ गया, कैपिटल में आना कितना चाहिए था कंपनी को, 2 लाख फर्स्ट कॉल में, तो टोटल कंपनी ने रिसीव कितना किया, 2,02,400। ओके, तो नेक्स्ट क्या होगा, बीइंग द फर्स्ट कॉल मनी रिसीव विद कॉल इन एडवांस ऑन 800 शेयर्स। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो अगले प्रॉब्लम में देखेंगे, कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियस एक ही साथ एक ही प्रॉब्लम में हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट में सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।